एवरीवन, तो आ गया है बारिश का मौसम। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू समोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और आप सब बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं बता रही हूँ आप सबको, एक कप लिया है मैंने और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। आप कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, मैं कप से कर रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ उसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड थोड़ी सी मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब अजवाइन डाली है। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल के। अगर आपका मैदा ज़्यादा ले तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको इसकी मुट्ठी बना के दिखाऊँगी तो समझ जाइएगा इतना ऑयल हमारे बैटर के लिए परफेक्ट है, हमें गूंदने के लिए जो मैदा, तो परफेक्ट ऑयल है इतना। देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है। अब हम इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे, उसका जो आटा है ना वो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा ना टाइट आटा रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा रखना है, बिल्कुल नॉर्मल आटा रखिए आप, कि हमारे समोसे बहुत आसानी से बन जाए। देख सकते हैं हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका समोसे का आलू बनाना। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और ज़ीरा, खड़ा धनिया, पिसा धनिया, सौंफ, हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली, काली मिर्च और ग्रीन चिली। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको मटर डालने हो तो वो भी डाल सकते हैं, वरना वैसे भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए थे ये। तो धीरे धीरे करके आलू डाल सकते हैं, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, जो हमारा मसाला लग के तैयार हो जाएगा तो हम इसके समोसे में भरेंगे। अब मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा आम जूस पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको खाना हो। ओके, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो आलू है वो तैयार ही हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने ऊपर से। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी समोसे की अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर आती रहेंगी तो इसीलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम समोसा बनाना। तो एक लोई कट करके रख ली थी मैंने, अब हम इसको बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बेल रही हूँ, आप भी उसी के अकॉर्डिंग बेलें। अब मैंने एक नाइफ लिया है, उससे मैं चारों तरफ से कटिंग कर लूँगी। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अब हम बीच से कट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये। थोड़ा थोड़ा सा आलू रखेंगे, ज़्यादा आलू नहीं रखना है हमें इस पर, क्योंकि हमारे जो समोसे हैं ना वो फट भी सकते हैं अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में आलू रख देंगे। तो अब मैं लगा रही हूँ इसमें मैदा और पानी मिला के, मैंने एक कटोरी में तैयार करके रख लिया था, तो वो घोल में से चारों तरफ लगा रही हूँ ताकि जो हमारे समोसे हैं अच्छे से बंद हो जाए और ऑयल में डालते वक्त फटे ना। तो देख सकते हैं मैंने लगा लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको बंद करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे बंद करते हैं, इससे न्यू शेप का समोसा बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो है ही क्रंची और क्रिस्पी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बंद करा है मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से बंद कर रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए। तो देख सकते हैं मैं दोबारा भी बना के दिखा रही हूँ। आराम आराम से बनाइए, अच्छे से पैक करिए इसको, ताकि हमारे जो समोसे हैं वो फटे ना और एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। देख सकते हैं कितना परफेक्ट समोसा बना है। तो ऐसे ही हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैं सारे समोसे जो है एक एक करके बना रही हूँ और मैंने ऑयल चढ़ा ही दिया है।
गर्म हो जाए ऑयल, तो हमें एक एक करके समोसा डालना है। ऑयल हमें इतना ही गर्म करना है, ना ज़्यादा तेज़ गर्म करना है और ना ही ज़्यादा कम गर्म करना है। मीडियम आंच पर हमें ये समोसे सेकने हैं, और जब हमारे समोसे लाइट ब्राउन हो जाए तो इसको अलट पलट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सारे समोसे डाल दिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा मैं हिला रही हूँ उन्हें ताकि अच्छे से सिक सकें। ऐसे ही आप भी हिला सकते हैं। तो देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे डार्क ब्राउन हो जाए, समोसे का कलर ले ले, तो तुरंत कढ़ाई से निकाल ले इसको। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है समोसों का। अब हमें निकाल लेंगे इन सारे समोसों को अपने। तो देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची दिख रहे हैं समोसे, और बनाएं बारिश के मौसम में और खाएं, घर वालों को भी खुश करें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें।